नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेद की पाठशाला चैनल पर। वीडियो को लाइक कमेंट करें एवं शेयर जरूर करें आयुर्वेद ग्रुप्स में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुर्वेद पाठशाला के साथ, और मैं आज आपका होस्ट रविकांत आपसे मुखातिब हूँ एक नए चैप्टर के साथ जो कि पदार्थ विज्ञान का है। तो देखिएगा, पदार्थ विज्ञान का ये पदार्थ निरूपण ये चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर फंसता ही फंसता है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, फिर भी मैं अगेन कहूँगा आपसे। तो चलिए बात कर लेते हैं पदार्थ की, क्या है पदार्थ। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, अर्थ पदस्य, या एक और देते हैं पदार्थो नाम पदस्य, पदियो पदानाम व अर्थ पदार्थ। अब अर्थात क्या कहते हैं, इसकी हिंदी देख लेते हैं। अर्थात एक पद या दो पद या बहुत पदों का अर्थ पदार्थ है। पदार्थ का अर्थ वह वस्तु जिसका किसी शब्द से बोध होता है वह पदार्थ है। जैसे कोई भी जिससे किसी बस किसी शब्द से बोध होता है वह पदार्थ है। मतलब सीधी सी बात है, मतलब किसी को भी एक नाम दिया जाता है तो वही एक पदार्थ को कह सकते हैं, ठीक है। अब देखें निरुक्ति, निरुक्ति क्या, पद्धते गम्यते एन अर्थ सा पदार्थ, अर्थात जिसके द्वारा किसी वस्तु विशेष या विषय का बोध हो उसे पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा है। अब देखिए पदार्थ के भेद कई बार पूछे गए हैं, इसलिए डबल स्टार भी लगा हुआ है और पूछे भी कई बार जाते हैं, तो पद के भेद कई बार पूछे जाते हैं। तो अब देखिएगा, तो क्या रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। सीधा आप सिंपल याद कर सकते, पहले रूढ़ याद कर लीजिएगा, दूसरा यौगिक, उसके बाद योग रूढ़। अब रूढ़ की बात करते हैं, क्या है रूढ़। तो इन शब्दों से जो अर्थ निकलता है वह धातु प्रत्यय व्युत्पत्ति पर आश्रित नहीं होता। ऐसे पदों का खंडन करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे नाक कान, अगर इनका खंडन करेंगे तो कुछ निकलेगा, केवल ना रहेगा, का रहेगा, का रहेगा, ना रहेगा, तो कोई खंडन करने पर कुछ नहीं निकलता है। अब देखिए यौगिक क्या है, तो यौगिक की बात कर लेते हैं। इन शब्दों का अर्थ व्युत्पत्ति के अनुसार ही होता है, क्योंकि इस प्रकार के शब्द धातु से निर्मित होते हैं, कोई ना कोई इसमें धातु जरूर होती है। जैसे पाचक शब्द पच धातु से बना होता है, जिसका अर्थ होता है भोजन पकाने वाला रसोईया, ठीक है, जैसे पाचक है। तो अब देखिएगा आगे, अब आगे योग रूढ़। तो अब यौगिक के बारे में आपको बता दूं कि इसको तोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये धातु से मिश्रित निर्मित होते हैं, ठीक है, धातु मिश्रित होते हैं या धातु से निर्मित होते हैं, इसलिए इनको तोड़ के देखा जा सकता है और इससे अनुमान लगाया जा सकता है क्या मतलब है उसका। अब योग रूढ़ देख लेते हैं। इन शब्दों का अर्थ कुछ तो अवयव पर व कुछ समुदाय पर निर्भर करता है। ऐसे पद अपना साधारण अर्थ त्याग कर विशेष अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। अब कैसे विशेष अर्थ ग्रहण करेंगे, जैसे पंकज, पंकज हो गया। अब पंकज में क्या देखिए, पंख और जा, तो पंख माने आप जानते ही हैं, पंख का अर्थ क्या होता है, कीचड़ होता है, और जा से जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला, तो उसको क्या कहेंगे, एक नया नाम दे दिया गया, कमल। तो ये क्या हुए, योग रूढ़। आपने तीनों पढ़े, रूढ़ पढ़े आपने, उसके बाद यौगिक पढ़े और योग रूढ़। अब पदार्थ, अब पदार्थ की बात करते हैं, तो कौन कौन से पदार्थ होते हैं, पदार्थ कितने टाइप के होते हैं, भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ। भाव पदार्थ में कौन कौन से होते हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, समवाय, विशेष समवाय, और अभाव पदार्थ में संसर्गिक भाव और अनोन्य भाव। आपको ये पदार्थ बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ने को मिलेंगे द्रव्य गुण में, जब आप सेकेंड ईयर पढ़ेंगे तो इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है, और वीडियोस भी पढ़ी अगर आप चाहें तो द्रव्य गुण की वीडियो देख सकते हैं, और इससे पुराने वाले जो लेक्चर हैं दर्शन के, तो आप उसको भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए पदार्थ की संख्या, तो पदार्थ की संख्या क्या है, सब आचार्यों ने अपने हिसाब से अलग अलग बताई है। तो पदार्थों की संख्या कितनी कितनी है देख लेते हैं इसको, पदार्थ की संख्या अब चरक के अनुसार क्या है, दो, कौन कौन, सत और असत। सुश्रुत के अनुसार क्या है, अपरिमित और या असंख्य। न्याय के अनुसार क्या है, 16 पदार्थ। सांख्य के अनुसार क्या है, सांख्य दर्शन के अनुसार, न्याय दर्शन के अनुसार है 16, सांख्य दर्शन के अनुसार 25 पदार्थ। जैन के अनुसार 7 पदार्थ, मीमांस के अनुसार 8 पदार्थ, वेदांत के अनुसार 2 पदार्थ। अगर आपने दर्शन वाला अभी नहीं पढ़ा है चैप्टर, तो कोई बात नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है, डिस्क्रिप्शन लिंक पे आप जाइएगा, वहाँ से आपको वो देखने को मिल जाएगा, और वहाँ से आप आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं आगे अभाव की।
तो देखिएगा अभाव क्या है, अभाव है प्रतियोगी ज्ञानाधीन विषयत्वम भावत्वम, अर्थात जिस विषय का ज्ञान प्रतियोगी के ज्ञान के अधीन हो उसे अभाव कहते हैं। आ मतलब होता है नहीं, भाव में सत्ता या उपस्थिति। आपने कई जगह देखा हो जहाँ पे आ जुड़ जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे उसका नहीं से मतलब होता है, वो चीज़ उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो इसी क्रम में ऐसे ही है सब चीज़ें, तो ऐसे ही आपको पढ़ लेनी है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं अब क्या है। यहाँ तक हमने नोट कर लिया है। अब देखिए, अर्थात किसी वस्तु का ना होना या किसी स्थान पर उसकी उपस्थिति ना होना उसका अभाव कहलाता है। अब जो चीज़ नहीं होगी तो उसका अभाव ही तो कहलाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, कॉमन सी बात है, आप इसको समझ सकते हैं। थोड़ा सा फंसाने के लिए थोड़ी सी इनकी भाषा थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रहती है, लेकिन आप थोड़ा सा अगर गौर करेंगे ना तो इस चीज़ पर आप आसानी से फतह पाएंगे। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं आगे। तो अभाव पदार्थ दो प्रकार का होता है, संसर्गाभाव और अनोन्याभाव। अब संसर्गाभाव के कितने भाग होते हैं? तीन भेद होते हैं। संसर्गाभाव और अनोन्याभाव होते हैं उसमें भी संसर्गाभाव के कितने? तीन भेद होते हैं। अब देखती है कौन कौन से। प्रागभाव, कार्य की उपस्थिति से पूर्व उस कार्य का अभाव वह प्रागभाव होता है। जैसे घट की उत्पत्ति ना होने तक उसका अभाव रहता है, जब तक घट उत्पन्न नहीं होगा तब तक क्या रहेगा? उसका अभाव रहेगा। अब बात कर लेते हैं आगे, प्रध्वंसाभाव। अब प्रध्वंसाभाव क्या होता है? वह अभाव जो कार के नष्ट हो जाने के पश्चात हो जाता है। जैसे कार के नष्ट, जब कार पूरा हो जाता है तो उसके पश्चात जो हो जाता है उसको क्या कहते हैं? प्रध्वंसाभाव। जैसे घट के नष्ट हो जाने के बाद अभाव, अब जैसे घड़ा था नष्ट हो गया फूट गया तो क्या होगा? उसका अभाव क्या कहलाएगा? प्रध्वंसाभाव। अब अत्यंताभाव, अत्यंताभाव क्या होता है? जहाँ दो वस्तुओं का भूत वर्तमान व भविष्य तीनों कालों में संसर्गाभाव पाए जाए उसे अत्यंताभाव कहते हैं। जैसे वायु में रूप का अभाव, तो वायु हालांकि होती है लेकिन उसमें रूप का अभाव होता है। अब देखिए अन्योन्याभाव, अन्योन्याभाव अब क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत अच्छे से आप इसको पढ़िएगा बहुत अच्छे से। एक वस्तु का अन्य वस्तु में जो भाव रहता है वह अन्योन्याभाव है। अब नोट में क्या दिया हुआ है? यदि प्रागभाव ना हो तो सभी वस्तुएं अनादि हो जाएंगी। ठीक है, प्रागभाव नहीं होगा सब वस्तु अनादि हो जाएंगी, प्रागभाव होना जरूरी है। यदि प्रध्वंसाभाव ना हो तो सभी वस्तु नित्य हो जाएंगी, अगर नष्ट ही नहीं होंगी तो हमेशा के लिए बनी रह जाएंगी। अब अत्यंताभाव ना हो तो सभी वस्तु सर्वत्र हो जाएंगी, सभी जगह रहेंगी। ठीक है, यदि अनोन्याभाव ना हो तो सभी वस्तुएं अभिन्न हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स हैं, बहुत अच्छे से पढ़िएगा इनको। तो अब देखिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं आयुर्वेद चिकित्सा की दृष्टि से अभाव। तो आयुर्वेद चिकित्सा की दृष्टि से अभाव क्या है? इम्पोर्टेंट है काफ़ी। तो आयुर्वेद एक व्यवहारिक शास्त्र है जो स्थूलदर्शी है और सृष्टि को पांच भौतिक मानता है। आपको पता है सृष्टि पांच भौतिक है, वह पंचमाऊ तथा उनसे उत्पन्न भाव पदार्थों की चिंता करता है। अब देखिएगा आगे, इस प्रकार अनुपयोगी होने से आयुर्वेद ने अभाव पदार्थ की आवश्यकता को नहीं माना है, क्योंकि अभाव ना तो स्वास्थ्य संरक्षण कर सकता है और ना ही विकारों को शांत करने में मदद करता है। यदि कहा जाए कि भोजन ना करने से वायु की वृद्धि होती है, वायु की वृद्धि होती है जिससे बाद व्याधियों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। इसी प्रकार कुछ रोग ऐसे होते हैं जो उपवास से निवृत्त हो जाते हैं, जैसे नेत्र रोग, कुच्छिगत रोग और प्रतिषयाद और भृंगड़ ज्वर। ठीक है, तो जैसे अगर खाली पेट रहते हैं तो काफ़ी ज्वर में आराम मिल जाता है, लोग ऐसा कहते हैं, शास्त्र हमारे कहते हैं और आपने भी देखा होगा इसको प्रैक्टिकली रूप से। जैसे भाव पदार्थ रोगों की उत्पत्ति व निवृत्ति में कारण है, वैसे ही अभाव भी रोगों की उत्पत्ति और निवृत्ति में कारण है। अतः अभाव को सप्तम पदार्थ नहीं मानते, क्योंकि अभाव के होने में कोई कारण नहीं होता, क्योंकि कोई चीज़ अपने आप ही अभाव हो जाती है, जबकि भाव पदार्थ सकारण होता है। आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं, जिसका कारण नहीं है उसका इंद्रियों से प्रत्यक्ष भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए आगे, यदि भोजन के अभाव से रोग की उत्पत्ति और निवृत्ति की बात की जाती है तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि भोजन अभाव के कारण शरीर में लघुता गुण का भाव होने से रोग की उत्पत्ति या निवृत्ति होती है। चरक ने भाव का अभिप्राय
स्वस्थ और अभाव को अस्वस्थ को बताया है। इसी कारण आचार्य चरक के अभाव को अतिरिक्त पदार्थ नहीं माना है, क्योंकि अभाव होने में कोई कारण नहीं होता है। अब देखिए बात करते हैं आगे, तो देखिएगा आयुर्वेद में पदार्थ विज्ञान की उपयोगिता काफ़ी बार पूछा जा सकता है इसको, तो इसको अच्छे से देखिएगा। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान है, स्वस्थ के स्वास्थ्य की संरक्षण और रोगी के रोग का उन्मूलन इसका प्रयोजन है। इसमें पदार्थ विज्ञान का महत्व निम्न प्रकार है। महर्षि चरक एवं वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थ द्रव्य गुण कर्म सामान विशेष समवाय भेद से कुल भिन्न भिन्न छह है। इसमें प्रथम को द्रव्य माना है, परंतु अन्य सभी पदार्थ भिन्न होते हुए भी द्रव्य पर ही आश्रित होते हैं। जब द्रव्य नहीं होगा तो कैसे हम पता करेंगे कि उसका गुण क्या है, कर्म क्या है, सामान क्या है, विशेष समवाय क्या है? तो सबसे पहले क्या है, द्रव्य होना ही होना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिएगा किंचित दोष प्रशमनम किंचित धातु प्रदूषणम स्वस्थ वृत्तौ हितम किंचित त्रिविधम द्रव्यम उच्यते। कुछ द्रव्य दोषों को शांत करते हैं, कुछ द्रव्य धातुओं को दूषित करते हैं, कुछ द्रव्य स्वस्थ व्रत के लिए ही कहे गए हैं, अर्थात कुछ द्रव्य स्वस्थ के स्वास्थ्य का संरक्षण करते हैं। अब देखिएगा दोष यहाँ पे क्या है, दोष दो प्रकार के होते हैं, या आपने अगर पढ़ा नहीं है तो पढ़ लीजिएगा, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ पूछी जा सकती है। तो एग्जामिनर काफ़ी बार ऐसे सवाल पूछते हैं और उसी में फंसाते हैं। अब देखिएगा सारे दोष कौन कौन से, वात पित्त और कफ, और मानसिक दोष कौन थे, रज और तम। यहाँ से ही आप याद कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आपको याद हमेशा बना रहे। अब देखिएगा ये दोष ही शारीरिक और मानसिक रोगों की उत्पत्ति का कारण हैं, जिनका प्रशामक द्रव्य ही है, प्रशमन भी द्रव्य करते हैं। इसी प्रकार धातुएं भी सात होती हैं, इनका भी दूषण द्रव्य करते हैं। इस प्रकार द्रव्य ही रोग शामक हैं और द्रव्य ही धातु प्रदूषक और द्रव्य ही स्वस्थ रक्षक हैं, अर्थात सब कुछ द्रव्य ही है। अगर द्रव्य है तभी वो उसका प्रशमन भी कर लेते हैं और रोग की उत्पत्ति का भी कारण द्रव्य ही कहे जा सकते हैं। अब देखिएगा कारण यह है कि कर्म और गुण सब कुछ द्रव्य में ही आश्रित रहते हैं। इस प्रकार आयुर्वेद के दो प्रयोजनों के सिद्ध साधक द्रव्य गुण कर्म रूप पदार्थों की उपयोगिता आयुर्वेद में पग पग पर होती है। अब देखिए आगे बात कर लेते हैं, सामान्य विशेष का प्रतिपादन करते हुए महर्षि चरक ने कहा है कि सब पदार्थों की समानता वृद्धि विशेषता ह्रास का कारण है। जहाँ तक चिकित्सा का संबंध है तो चिकित्सा भी इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर की जाती है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, चिकित्सा के समान यदि सामान व विशेष पर ध्यान न दिया जाए तो चिकित्सा संभव नहीं है। जैसे शीत पीड़ित रोगी को शीतकारक आहार विहार देंगे तो समान गुणों वाले द्रव्य के सेवन से शीत की वृद्धि हो जाएगी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, सारांश यह है कि सामान द्रव्य गुण कर्म से सामान द्रव्य गुण कर्म की वृद्धि होगी, उनके विपरीत से ह्रास होता है। इसी प्रकार हम उनकी चिकित्सा भी करते हैं। इसी प्रकार समवाय की भी चिकित्सा उपयोगिता है। जब द्रव्य वहाँ द्रव्य गुण को छोड़कर नहीं रहता, उसी प्रकार गुण द्रव्य गुण को नहीं छोड़ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, द्रव्य व गुण का संबंध है जो समवाय संबंध से कहा जाता है। आपको जब भी देखना है समवाय संबंध, मतलब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, वह नित्य संबंध है। चिकित्सा के अवसर पर जब रोगों को नष्ट करने के लिए द्रव्यों का उपयोग किया जाता है, उस समय यह ध्यान रखना आवश्यक होता है कि जिस द्रव्य का हम उपयोग करते हैं उसमें समवाय संबंध से उस द्रव्य का गुण वर्तमान है और इसी गुण के अनुसार वह द्रव्य द्वारा रोग पर अपना कार्य करता है। अतः पदार्थ विज्ञान का आयुर्वेद में सर्वात्म सतत उपयोग है, जो आप्तोपदेश प्रत्यक्ष अनुमान उपमान चारों प्रमाणों से सिद्ध है। तो ये यहाँ तक था पदार्थ निरूपण, ये एक चैप्टर था, बहुत अच्छा चैप्टर है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिए, दोस्तों शेयर करिए, आयुर्वेद ग्रुप्स में शेयर करिएगा। थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करिएगा, थोड़ा सा आयुर्वेद ग्रुप्स में आप वीडियो शेयर कर दीजिए करिए, और थोड़ा सा वीडियो पूरा देखा करिए, जिससे कि थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि फिर हम नहीं समझ पाते हैं। और आप थोड़ा सा कमेंटिंग करते हैं, प्लीज़ कमेंट जरूर करा करिए कैसा वीडियो है, तो वीडियो के रिगार्डिंग। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं
तो आपने क्या कि सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद बगल से घंटा बटन है जो कि बेल आइकन है, बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन नहीं क्लिक कर रखा है जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचते हैं। तो आई होप अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें जिससे कि मेरा मोटिवेशन और बने और मैं वीडियो जल्द से जल्द बना पाऊँ। तो ठीक है, मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।